हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। कंपनी और स्थापना वर्ष, जैसे कि जो विदेश से या बाहर से कंपनियां आई हैं और हमारे भारत में उनकी स्थापना कब हुई है और कौन सी कंपनी किसके द्वारा स्थापित की गई है, हम इसके बारे में जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो पहला कंपनी है, ये है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हमारे भारत में हुआ था 1498 ईस्वी। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1498 ईस्वी। प्लीज सामने देखिए। तो अब हम बात करते हैं नंबर दो, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में। अब हम आगे बात करते हैं, तो उसके लिए आप सामने देखिए प्लीज। अब नंबर तीन है डच इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि जिसकी स्थापना हमारे भारत में कब हुआ है, 1602 ईस्वी। किस वर्ष हुआ है, 1602 ईस्वी। अब हम आगे बात करते हैं, नंबर चार है डेनिशा ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिशा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1616 ईस्वी में हमारे भारत में इसकी स्थापना की गई है। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं आगे, नंबर पांच है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हमारे भारत में 1664 ईस्वी में हुई। 1664 ईस्वी में हुई। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हमारा टॉपिक है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ। जिसकी स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ। आज का हमारा आप लोगों से दो सवाल है, जिसका आप सब हमें कमेंट करके जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, जो कि आज का है नोट, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था। उसके बाद दूसरा सवाल है, अहमद शाह अब्दली का वास्तविक नाम क्या था और इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। इन तीन सवाल का जवाब आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक, नए उम्मीद और जोश के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।